अपना पंचेन को बताई कि आज सुबह 5 दिन बाद मगरमच्छ का ही कुआं से निकाल लीन गा है। बतावा जात है कि बीते 5-6 दिन पहले एक मगरमच्छ कुआं में जाए कि गिर जात है, जौने की सूचना गांव वाले जंगल विभाग का दे थे। जंगल विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंच के मुआयना करा थी, लेकिन जंगल विभाग की टीम देखा थी कि जौने कुआं में मगरमच्छ गिरा है वह कुआं में ही बहुत ज्यादा पानी है और पानी निकाले की कोशिश में ही जंगल विभाग की रेस्क्यू टीम जुट जाती, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। ओखर कारण आए कि गांव में लाइटें नहीं रहवा करती है, जौने के कारण 5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन लाइट न हो के कारण पानी कुआं से बाहर नहीं निकल पावाता है। ऐसे स्थिति में ही सीधी कलेक्टर का सूचित की गांव कलेक्टर साहब पर्याप्त बिजली की व्यवस्था करवाई, जौने के कारण कुआं के पानी बाहर आ पावा और बीते 24 घंटे के अंदर मगरमच्छ का ही सकुशल बाहर निकाल लेंगा। अपना पंच देख सकी थी वीडियो में कि कौमे के ही मगरमच्छ के रेस्क्यू किनगा है। जंगल विभाग के वन रक्षक पंकज मिश्रा उनकी टीम द्वारा यह रेस्क्यू ऑपरेशन किनगा है जो उनके सफल रहा है। मगरमच्छ का ही आवाज सोन घड़ियाल मलैया के छोड़ा जा लागे। गाँव में के रेस्क्यू कीन का है अपना वीडियो में ही देख सकी थे कि एक मगरमच्छ का ही गाँव में के कुआं से निकाला जात है। और काफी मेहनत के बाद इसको देखिए ऊपर ऊपर लाया जा रहा है। नहीं लाइव नहीं चल पा रही वीडियो है ना। तो ये देखिए अब वन मध्य प्रदेश वन विभाग के ये दो वाहन अब इसको इसके परिवार के पास ले जाया जाएगा और यह बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ था तो मेहनत करता ना कहीं आज कई रोज से लगे देखिए इसको ठंडा किया जा रहा है। ये पानी का जीव है तो इसको पानी जरूरी है तो इसको फिर से देखिए इसको ये देखिए अब राहत महसूस कर रहा है थोड़ा। ये भी बच्चा है बच्चा तो, नहीं है 8 से 10 साल का है। अच्छा ये बैक्स है ये अंडा देता होगा ये भी ये नहीं पता कि मगर है कि मादा है वो बताए वो कौन हो गया। हाँ चल कहाँ भी जा रहे।